सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलीन का रश लग गया है। साइलीन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतद्दिद मामलात में खुद नोटिस लेने की अपील कर रखी है। साइलीन की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हक में शदीद नारेबाजी भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचेंगे, तो उनसे उनकी आमद से कबल ही साइलीन की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर पहुंच चुकी है, जो अपने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रही है, जबकि अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के अजाले के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इन्होंने दरख्वास्तें भी जमा करवा दी हैं, ताकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन मामलात का उसको नोटिस लेकर फौरी तौर पर इन्हें इंसाफ दिलवाएं। इस मौके पर साइलीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हक में नारेबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जबकि साइलीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिसमें उनके मुतालबात से मुतल्लिक नारे भी दर्ज हैं। साइलीन का कहना है कि उन्हें 10 से 15 साल हो चुके हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, ना तो जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो जल्द फैसले कर रही हैं और जो महकमे हैं वो भी उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन तमाम मामलों का नोटिस लेकर इन्हें इंसाफ फराहम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक आपका।